हेलो दोस्तों, एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूले करेंगे 10.2 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ नियम हैं, तो इनको पढ़ेंगे। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखते रहना। सदिशों का योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि हम लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी है ए वेक्टर और ये सदिश बी है, बी सी सदिश बी है। तो इस नियम में क्या कहता है, यदि दो सदिश ए एवं बी को परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज के एक ही क्रम में लिखा जाए, देखिए एक ही क्रम में लिख रहे हैं, तो जो तीसरा होता है परिणामी इसके बराबर होता है। क्या कहता है, यदि दो सदिश ए एवं बी को परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज कि एक ही क्रम में ली गई दो भुजाओं से निरूपित किया जाए, तो सदिश ए एवं बी का योगफल परिणामी सी उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होगा। मतलब इनकी जो क्रम है वो इस तरह से है ए बी, तो इसका जो क्रम होगा तीसरी वाली भुजा का, जो विपरीत क्रम में ली है हमने, इसके बराबर होगा। यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे कि आपको यहाँ देखिए ये इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में, और फिर यहाँ अगर इस तरह जाती तो ये विपरीत दिशा नहीं होती, तो इसलिए हमने इसकी दिशा चेंज की है। तो इसका जो परिमाण होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं सदिशों का व्यकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसमें देखिए क्या होता है, ए बी और सी भुजा कह सकते हैं आप, ठीक है। इसी को हम यदि बी सी भुजा को नीचे की तरफ बढ़ा दें, ये डी हो जाएगी, जितना है ये वी वेक्टर सदिश बी है उतना ही हम नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि जब भी दिशा चेंज होती है तो आपका माइनस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि सदिश a माइनस बी का क्या अर्थ है, पता है, सदिश a में सदिश b के ऋण सदिश माइनस बी का योग, यानी कि a माइनस बी का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस, मतलब माइनस b सदिश माइनस b का योग, तो हम इसका योग कर देंगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें हमने एक डायग्राम ले रखा है जहाँ ए बी जो है वो ए के बराबर है, बी सी आपका बी के बराबर है, और जब हम ए बी ए के, बी सी बी के, जब हमने नीचे की तरफ एक लाइन खींची तो ये माइनस बी हो गया, तो आपका बी डी जो हो जाएगा बी डी माइनस बी के बराबर। अब हमको ए डी निकालना है, तो ए डी के लिए आपको क्या करना होगा, वही त्रिभुज का नियम, जो परिमाण और दिशा एक ही क्रम में है त्रिभुज के वो सब ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी, और ए डी कितना है आपका a माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए डी, ए डी निकालने हैं तो यहाँ a माइनस बी आएगा, सॉरी a इस तरफ और फिर नीचे की तरफ आए तो ये माइनस बी, तो a माइनस बी आ जाएगा, और इसके बाद ए डी जो है a माइनस बी है ही आपका, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए सदिश ए बी ज्ञात करना है जबकि बिंदु ए तथा बी के स्थिति सदिश ज्ञात हैं। स्थिति सदिश आपको बता देता हूं मैं सबसे पहले, तो यहां पर जो ओ है एक बिंदु है, मूल बिंदु जिससे के सापेक्ष जो बिंदु रहते हैं, एक एक्स्ट्रा बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ ए ले रखा है और यहाँ बी, ठीक है, जिसको हम स्थिति सदिश कहते हैं, जिसके निर्देशांक दिए होते हैं कुछ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के रूप में, ठीक है, तो वह आपका स्थिति सदिश होता है। अब देखिए हमें निकालना है सदिश ए बी, ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए ओ ए दे रखा है, ओ ए यहां पर लिख लीजिए ए, और ओ बी है बी। अब आप यहाँ पर योग वाला नियम लगा सकते हैं, तो अब देखिए ए बी जो निकलेगा आपका
सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से जब हम करेंगे तो OA प्लस AB, OA प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा OB के, ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्रम में है त्रिभुज के, ये हमने ऐड कर दिए OA प्लस AB और ये परिणामी हो जाएगा इस वाले के OB के। अब OA कितना है, A प्लस AB, या सबसे पहले आप ये कर सकते हैं AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके वैल्यू रख दिए हैं, AB जो आपका आ जाएगा B माइनस A, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जब भी हमें इस तरह से निकालनी हो AB और उन दोनों के स्थिति सदिश दिए हों तो OB का स्थिति सदिश और OA का स्थिति सदिश, जो इधर साइड होता है सबसे पीछे उस वाले का स्थिति सदिश में से आगे वाले के स्थिति सदिश को घटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं A तथा B के स्थिति सदिश AB हैं और P एक ऐसा बिंदु है जो AB को M अनुपात N के अनुपात में विभक्त करता है तथा यदि P का स्थिति सदिश R है तब, तो यहाँ पर आपका अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है, R वेक्टर बराबर N A वेक्टर प्लस M B वेक्टर बटे M प्लस N, और यहाँ पर M यदि N के बराबर होती है तो यहाँ पर जब हम N प्लस N करेंगे तो ये आपका 2N हो जाएगा और यहाँ N कॉमन आ जाएगा तो N से N कट जाएगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा R बराबर A प्लस B बटे 2, जहाँ P कॉमा AB का मध्य बिंदु है, AB जो आपकी भुजा है उसका मध्य बिंदु क्या है P, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा और P का स्थिति सदिश R है, ठीक है, और यदि बाह्य विभाजन निकालेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।